अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा नईम, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। तो यार बेसिकली बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि नईम भाई एक वीडियो इंडियन डेवलपर के साथ बना दें, ठीक है, उनका लाइफ एक्सपीरियंसेस ठीक है, वो सऊदीया में कैसे है और उनके पास किस तरह की डिग्री है, ठीक है, क्योंकि डिग्री के ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है, स्किल के ऊपर बात नहीं हो रही ज़्यादा, ठीक है। डिग्री मैटर नहीं करती लेकिन कई लिहाज से करती भी है। अगर आप कहीं स्टडी के लिए जाते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पर आपकी डिग्री मैटर करती है, आप कहीं पर अप्लाई करते हो मास्टर के लिए। अदर देन डैट हाँ ये है कि बाकी उनकी ज़ुबानी सुनेंगे यार सारा कुछ, अगर मैं बता दूंगा तो वो क्या बताएंगे, ठीक है। तो अभी मैं बेसिकली ऑफिस की तरफ जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके इंशाल्लाह मुलाकात होगी। यस हमाद भाई, हाउ आर यू ब्रदर? क्विज, सो बेसिकली अरबिक में क्विज कहते हैं ना, यानी कि मैं ठीक हूँ। अच्छा हमाद भाई, सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि इंडिया में, मतलब आप इंडिया से हैं और वहाँ पे आपने क्या ग्रेजुएशन की है, क्या सीन है? बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हमारे यहाँ कोर्स रहता है। अच्छा, BCA बोलते हैं, ठीक है। तो वो 3 साल का कोर्स होता है, वो किया है। अच्छा, और एक 2 साल का सर्टिफिकेशन है मेरे पास। वो किस सर्टिफिकेशन, किस यूनिवर्सिटी से की है? HCL नाम पे एक हमारा HCL, ठीक है, HCL सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंटरप्राइज इंजीनियर। अच्छा, यानी कि बहुत लंबा नाम है। यानी कि आपने वो करने के बाद इंडिया में कोई एक्सपीरियंस? हाँ, वो खत्म हो गया था मेरा 2015 में जुलाई में, अगस्त से मैंने कंपनी ज्वाइन की थी E2X इन्फोटेक नाम की। अच्छा, तो वहाँ पे आपने कितने साल काम किए? वहाँ पे 2.5 साल काम किया है। वहाँ पे किस टेक्नोलॉजी पे काम करते थे आप? शुरुआत तो स्क्रैपिंग से की थी, PHP के। अच्छा, PHP वहाँ पे स्क्रैपिंग करते थे आप? हाँ, PHP में। अच्छा, यानी कि 2.5 साल आप स्क्रैपिंग पे ज़्यादा काम कर रहे थे, डेवलपमेंट वगैरह में। स्क्रैपिंग था और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेटर पे काम किया। ठीक है, यानी कि PHP का फ्रेमवर्क है कोऑर्डिनेटर। उसके बाद आपका क्या प्लान बना कि यार सऊदीया जाना है? उसके बाद मैं दिल्ली गया था काम करने 3 महीने के लिए। रहते हैं आप किधर है, मतलब कहाँ से हैं, किस सिटी से? UP में रायबरेली करके एक है लखनऊ के पास। अच्छा, तो वहाँ से आप दिल्ली गए? दिल्ली वहाँ जाके, यानी कि क्या मोटिवेशन आपको मिली कि आप दिल्ली जाना? आप दिल्ली नहीं, वो एक फ्रेंड थे मेरे, तो उनको अपने यहाँ कंपनी में ज़रूरत थी। अच्छा, हम बाद मेरे यहाँ आ जाओ और टीम लीड ऐसा। ठीक है, तो मैं टीम लीड बन के गया था। माशाल्लाह, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आप टीम लीडर बनी। अच्छा, देन फर्दर फिर आपका क्या प्लान बना कि यार अब बाहर जाना है? फिर यहाँ पे भाई बताया, जैसे मेरे भाई थे यहाँ पे शोएब भाई का, लेकिन अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में काम कर रहा है अभी। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि हम बात यहाँ पे है ज़रूरत, अल राया फूड स्टाफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, यहाँ पे सुपर मार्केट है। अच्छा, तो उसके हेडक्वार्टर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जरूरत थी। यानी कि यहाँ पे आप किस सिटी में थे? ये जद्दा में थे पहले। जद्दा में, और आपके भाई रियाद में? नहीं, पहले वो भी जद्दा में थे, सेम कंपनी में। अच्छा, तो राया फूड स्टाफ प्राइवेट। अब थोड़ा अपने भाई के बारे में बताएगी, मतलब कि उनकी क्या एक्सपर्टीज है? वो बीटेक है। बीटेक है, ठीक है। यहाँ पे उनको 10-12 साल हो गए। अच्छा, यानी कि उन्होंने एक अच्छी जगह बना ली है अपनी, एक स्पेसिफिक जगह। वो किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं? वो तो सिंपल, उनको बहुत ज़्यादा मार्केटिंग में ज़्यादा है। अच्छा, मार्केटिंग प्रोजेक्ट है उनके पास, वो हम लोग से करवाते हैं, कंपनी है उनकी इंडिया में। ठीक है, और वो यानी कि उनको अरबिक फेमिलियर है, मतलब कि फ्लुएंटली अरबिक बोल रहे थे? हमको लगता है हमसे भी कम आती है। अच्छा, ठीक है, अब आप अब दोबारा आते हैं आपके ऊपर। उसके बाद यानी कि 3 साल आपने वहाँ पे गुजारने के बाद इंडिया में, आप यहाँ पे कैसे आए? आज़ाद वीज़ा? आज़ाद वीज़ा, यानी कि वर्क वीज़ा नहीं था डायरेक्ट, आपने पैसे लगाए आज़ाद वीज़ा। उस वक्त कितने पैसे लगे वहाँ पे? इस वक्त मेरे ख्याल 22,000 रियाल लगा।
22,000 रियाल लगा था उस वक्त। उस वक्त इंडियन पैसे कितने बन जाते थे? 22,000 आई थिंक 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करीबन आपका हो जाएगा ये 4.5-5 लाख। अच्छा ठीक है, यानी कि उसके बाद आप यहाँ पे आए, आपने जॉब कैसे फाइंड की? वो यानी कि फिर रेफरेंस पे था, इंटरव्यू दिया। अच्छा, सही लगा तो उन्होंने रख दिया। तो आपका एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा हो गया, आप काफ़ी लोगों से मिले भी होंगे, तो अब वो बताएंगे मतलब कि जो लोग आज़ाद वीज़ा पे आते हैं जैसे इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से, वो जॉब कैसे ढूंढें? वो वहीं से ढूंढ के वहीं से ढूंढ के पाकिस्तान में रहें, bait.com करके है उस पर करें, या तो naukrigulf.com ठीक है अप्लाई करें। अच्छा, जॉब मिलेगी। ये मुसाब ने भी बताया था कि मतलब कि हिराज के नाम से है, hraj@haraj.com haraj.com लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दें ठीक है। अच्छा, तो उसके बाद मतलब कि यहाँ पे आपको कितना अच्छा हो गया? यहाँ पे मुझे 5 साल हो गए। 5 साल आपको यहाँ पे हो गया, और आपने कितनी कंपनीज चेंज की है? पहले राया में थे, सेकंड सनद नेटवर्क में थे, अब यहाँ पे 4 महीने से यहाँ पे। 4 महीने में आप सीता में काम कर, मतलब याद ही अब आए हैं, पहले जद्दा में थे 5 साल, अब यहाँ पे। ठीक है, आपको क्या मोटिवेशन मिली कि यार सिटी चेंज करना चाहिए, वहाँ पे क्या मतलब कि अपॉर्चुनिटीज कम है? अपॉर्चुनिटीज रियाद में तो बेसिकली ज़्यादा है, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं तो रियाद आना पड़ेगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कोई ऐसा बंदा आता है, चलो उससे गलती होगी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी पाकिस्तान इंडिया में बैठ के, ठीक है, वो सऊदीया आ गए, ठीक है, अब वो जॉब फाइंड कर रहा है, अब सीन क्या होता है? आपने भी काफ़ी इंटरव्यूज लिए, इवन कि आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया था, ठीक है, तो आपको क्या मतलब कि आप क्या चीज़ देखते हो एम्प्लॉय के अंदर कि मतलब कि यार एक तो वो गुड लर्नर ठीक है, यानी कि हार्ड वर्कर होना चाहिए और काम जल्दी सीख के ना काम स्टार्ट करें? तो काम तो किसी को नहीं आता, अभी हम भी कोई नई कंपनी में जाएंगे तो काम उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होगा, एनवायरनमेंट अलग होगा, ठीक है, प्रोग्रामिंग टेक्नोलॉजी अलग होंगे, ठीक है, तो ना काम तो सब जगह नया होगा, तो जहाँ जाते हैं वहाँ पर थोड़ी ट्रेनिंग मिलेगी 1-3 महीने की, उस हिसाब से काम में ढल जाएंगे आते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे हैं, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मतलब कि हम आज भाई से ये पूछिएगा कि हम इंडिया से आए हुए हैं आज़ाद वीज़ा पे, ठीक है, और हमें जॉब नहीं मिल रही, मतलब कि हम काफ़ी जगह अप्लाई कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रही, तो उसके बारे में आपका क्या आइडिया है कि मतलब कि क्या गलती कर रहे हैं वो? हो सकता है कि आपकी तरह से कोई सजेशन कि मतलब कि उनको CV इम्प्रूव करनी चाहिए या CV? तो भाई सीधी बात है, लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाएं और तो अपने प्रोफाइल को मजबूत करें, CV अच्छी बनाएं। आजकल क्या कॉन्सेप्ट है, CV बनाई जा रही है, कैसे ये एम्प्लॉयर रहता है, कैसे देखता है CV को, कैसे टॉप पे आ सकते हैं CV में, तो उस हिसाब से देखना चाहिए। अच्छा, दूसरी जो आपको काफ़ी अर्सा हो गया इधर, तो उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि मतलब कि किस टेक्नोलॉजी में ज़्यादा काम हो रहा है सऊदी अरेबिया में? सऊदी अरेबिया में जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज रहती हैं वो .NET पे ही चलती हैं, आजकल जो सुपर मार्केट्स हैं वो .NET पे ही US सिस्टम बनते हैं, .NET एक अच्छा है, और बाकी तो कंपनियां React पे भी चल रही हैं और Laravel भी यूज़ करती हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो .NET ही प्रेफर करती हैं। ठीक है, आपने वैसे .NET पे काम किया अब तक? .NET पे पढ़ाई जब करते थे तब काम किया था, बाकी उसके बाद तो नहीं किया। अच्छा, जावा के बारे में आपका क्या ख्याल है कि यार जावा मार्केट में उस तरह से अवेलेबल है सऊदीया में कि नहीं? जावा कम है, और AI और डाटा साइंस और इस तरह की चीज़ों से इसकी अपॉर्चुनिटी जाता है, लेकिन पैसा उतना नहीं है। अच्छा, और आपको क्या लगता है कि यहाँ पे कोई सऊदीजेशन इशू है, सऊदीलाइजेशन इशू, मतलब कि यानी कि सऊदीज को ज़्यादा प्रायोरिटीज दी जा रही है बजाय कि खारजी लोगों को जो कि बाहर के हैं, एक्सपैट्स हैं जैसे हम हैं आप हैं? देखिए, जो काम बड़े होंगे, जो काम मतलब वो काम सऊदी से नहीं हो पाएगा। अच्छा, जैसे कि मेन चीज़ टीम लीड हो गया, ये हो गया, मैनेजमेंट में बैठ सकते हैं, वहाँ पे काम नहीं होता। अच्छा, ठीक है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उस पर जो है आपको खारजी रखना पड़ेगा। अच्छा, अब कुछ चीज़ों में काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, जो सऊदीज न्यू जनरेशन है ना वो मतलब हाँ वो IT में काफ़ी ज़्यादा इन हो रहे हैं, उनकी वजह से बाकी लोगों को जो खारजी लोग हैं उनको ज़रा प्रॉब्लम हो रही है। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ पता चली है, जैसे अब मुसाब है मुसाब बेसिकली नेटिव लैंग्वेज है अरबिक, ठीक है, इसको पता है, तो सऊदी इन लोगों को रखना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे बजाय हमें, क्योंकि हमें अरबिक नहीं आती? काम भी देखते हैं, काम भी एक मैटर करता है कि आपको काम कैसा आता है, यानी कि एक्सपीरियंस बेस पे वो चेक करते हैं हाँ भी क्या सीन है। और एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या लगता है कि मिले जुले बंदे रखने चाहिए ताकि हर एक की एक्सपर्टीज इन हो सके? यानी कि मैंने काफ़ी देखा है कि हर कंपनी में एक ही कैटेगरी का बंदा नहीं है, यानी कि एक ही कंट्री का बंदा नहीं है, यानी कि मिक्स है, जैसे आप हैं इंडिया से, मैं पाकिस्तान से, कुछ लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं, और सुडानी हो गए, मिस्री, यानी कि मिक्स रखते हैं ताकि हर एक का माइंड सेट डिफरेंट उसके ऊपर काम कर सके।
अब इस कंपनी में, जिस कंपनी में आप अभी करेंटली काम कर रहे हो, वो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान से भी है, इंडिया से भी है, ठीक है। शायद आपको आइडिया हो कि मतलब कि उन्होंने कैसे जॉब फाइंड की ऑनलाइन। मुझे तो लगता है लिंक्डइन से ही फाइंड करिए या तो कुछ सोर्स है। यानी कि अगर वो जॉब फाइंड कर सकते हैं अपने घर में बैठे बैठे, तो आप लोग भी कर सकते हो ऑब्वियसली। मुझे तो नौकरी.com से मिला है। मुझे नौकरी.com से मिला है। नौकरी गल्फ लेकिन चलता है, लेकिन मुझे नौकरी.com से मिला है, पता नहीं कैसे मिला। ठीक है। अच्छा, जब कोई फ्रेशर यहाँ पे आता है तो कोई एक्सपेक्टेड सैलरी उसके माइंड में होती है कि यार कितने से स्टार्ट होती है जो बिल्कुल फ्रेशर है? फ्रेशर की भाई 3,000 तो मिनिमम मिलेगी इंशाल्लाह मेरी मां। तो वो अकोमोडेशन आई थिंक मेरे ख्याल में तो नहीं कंपनी प्रोवाइड करती। नहीं, इस लाइन में शायद अकोमोडेशन नहीं, ये इसमें मैनेजमेंट लेवल में अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है इस आईटी फील्ड में। और गाड़ी वगैरह का भी कोई सीन नहीं? अब कोई ऐसा बंदा जिसकी 20 साल का एक्सपीरियंस है, मैक्सिमम कितनी सैलरी तक जा सकते हैं? 20 से 25 साल 50 के ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, 50 से ऊपर जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोगों के माइंड में ये है कि यार सऊदीया से बेहतर ना दुबई में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, या यूएई में चले जाओ वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है बजाय सऊदीया के। आपके माइंड में क्या है कि सऊदीया टेक्नोलॉजी के लिहाज से ग्रो कर रहा है कि यानी कि दुबई को वाले समय में सऊदी जो है दुबई को पिछाड़ देगा मेरे ख्याल से, मेरा ओपिनियन ऐसा है। अच्छा, यानी कि आप काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिहाज से ग्रोथ देख रहे हैं सऊदी अरेबिया, यानी कि इसका मतलब है दुबई में कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे बंदे को निखरा हो, जो तराशा हुआ बंदा नहीं होता उसको चेक करना चाहते हैं, और यहाँ पे ये है कि चल ठीक है जो भी आ रहा है रख लो उसको, क्योंकि काम की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब है टेक्नोलॉजी आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है, इसका मतलब है अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे सऊदीया में ज़्यादा है। 2030 तक तो पूरा बदल जाएगा सऊदी अरब, हाँ बहुत अपॉर्चुनिटी यहाँ भी रहेंगी इंशाल्लाह। ठीक हो गया। अब फैमिली का क्या सीन है यहाँ पे, जो मतलब कि आप ओबियसली मैरिड है, तो यानी कि आपको क्या लगता है कि मतलब कि मंथली कितना एक्सपेंस आ जाता है एक मैरिड बंदे का? 2,000 से 3,000 आ जाता है। 2,000 से 3,000 रियाल फैमिली के साथ, उसमें अकोमोडेशन इंक्लूडेड है, खाना पीना इंक्लूडेड है, और आगे पीछे कहीं जाना हो तो वो भी 3,000 के ऊपर ही आ जाएगा। अच्छा, तो इस लिहाज से अगर कुछ लोगों के माइंड में ये है ना कि मतलब कि यार शादीशुदा हैं कर लेंगे मैरिज, तो उसके लिए फिर सैलरी भी उस हिसाब से होनी चाहिए ताकि वो तंग ना हो बंदा। लेकिन अल्लाह पाक रिस्क देते हैं, शादी करने का तो रिस्क बढ़ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी अपॉर्चुनिटीज आपको सऊदीया में क्या लगती है, मतलब कि जब मर्जी बंदा जाके उमरा कर सकता है और हज की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल जाती है? ऐसे ही है। आई थिंक मेरा ख्याल है सारे सवाल हो गए, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करिएगा जो भी सवाल होंगे इंशाल्लाह, मोबिन भाई के जरिए से हमको पता चलेगा इंशाल्लाह। तो हमारे भाई सब्सक्राइब नहीं करते ये लोग, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और खूब देखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।